नमस्कार, मैं रविश कुमार। गंगा उन सभी को बुला रही है जिन्हें वो साल में कई बार बुलाती रहती है, खोजती रहती है। वो चाहती है कि वे सारे लोग उसका हाल देखें और बताएं कि उसका पानी साफ क्यों नहीं हुआ, पानी कम क्यों होता जा रहा है और गाद से भरी गंगा कब साफ होगी। अगर आपको माँ गंगा ने कभी बुलाया है तो प्लीज़ इस वक्त बनारस जाइए, क्योंकि वहाँ गंगा से जुड़ी दो योजनाएँ आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। नमामि गंगे के तहत साफ पानी नहीं दिख रहा है, बल्कि पानी ही नहीं दिख रहा है। और जल मार्ग बनाने के बड़े ऐलान का हाल यह है कि गंगा की गोदी में जब बालू और मिट्टी की गाद देखेंगे तो आपको सिर्फ गिल्ली डंडा खेलने का ख्याल आएगा, जहाज चलाने का नहीं। तीसरा सवाल गंगा आपसे ये पूछना चाहती है कि बनारस में जो पानी की एडवाइजरी जारी हुई है उसकी नौबत क्यों आई। इन तीन सवालों के लिए गंगा सबको खोज रही है, बल्कि फिर से बुला रही है। रविवार को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि गंगा में जमे गाद को हटाए बिना जल मार्ग का विकास नहीं हो सकता है। जब तक नदी अविरल नहीं होगी वो निर्मल भी नहीं होगी। अब गंगा सबसे मुख्य नदी अपने देश की, अब उसमें जिस तरह का सिल्ट डिपॉजिट होता जा रहा, सिल्ट से संपर्क होता जा रहा, जो सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है, गंगा की अविरलता प्रभावित होगी। हम लोग भारत सरकार की और प्रधानमंत्री की क्या योजना, निर्मलता अविरलता, ये जो वाटरवे बनाना चाह रहे हैं गंगा। अब हालत ये है कि एक जहाज भेजे थे IWAI का, इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक कार्गो वेसल जो चल रहा होगा बनारस से या इधर से जा रहा होगा, वो बक्सर में जो ब्रिज है गंगा नदी पर, उसके 500 मीटर अप स्ट्रीम में, तो गरीब से आ रहा होगा, 500 मीटर अप स्ट्रीम में वो वेसल जो है कार्गो वेसल फंस गया है। जनवरी 2018 से, क्योंकि रामरेखा घाट के पास और वहां पर डेप्थ बचा है सिर्फ 1.10 मीटर, यानी 1 मीटर 10 सेंटीमीटर डेप्थ से बचा है। इसके बाद उसको खींचने के लिए और उसको बचाने के लिए जो कार्गो वेसल फंसा तो उन लोगों ने टग वेसल भेजा, और टग वेसल उसके पहले ही यानी बक्सर ब्रिज के 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में ही फंस गया। 2 महीना तक फंसा बक्सर और आरा के बीच में गंगा नदी में, हम तो गाद की बात कर रहे हैं, काई दिख रहा। अब आप सोच लीजिए कि अविरलता तो मस्त होगी। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बक्सर के पास काई जम गई है, इसका मतलब ये हुआ कि पानी कम है और प्रदूषित भी है। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कहा, हो सकता है कि केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी को सुनने में अच्छा ना लगे, मगर यही तो दिखाने और बताने के लिए गंगा सबको बुला रही है। हमने सोचा कि इसी बहाने हाल बताते हैं। हमने अपने सहयोगी पुष्पेंद्र को बक्सर में उस जगह पर भेजा जहां वो कार्गो वेसल मालवाहक जहाज गंगा की गाद में फंसा हुआ है। बक्सर के पास रविंद्रनाथ टैगोर नाम का यह मालवाहक जहाज, जिसे आप देख रहे हैं, आलू बालू लादने वाला लगता है, मगर कोलकाता से चला था चौसा ताकि सीमेंट लादकर लाया जा सके, मगर चौसा पहुंचने से पहले फंस गया। यह जहाज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। यहाँ पर जहाज फंसा है, वहाँ गहराई जहाँ पर फंसा है मात्र 1.25 मीटर है। इसे निकालने के लिए जो दूसरा जहाज भेजा गया वो भी 10 किलोमीटर पहले गाद में फंस गया। सुनसान में खड़ा यह जहाज कब निकलेगा, इसमें फंसे ये 8 कर्मचारियों को कुछ पता नहीं, वो घर जाने के इंतजार में यहाँ बैठे हैं। गंगा नदी का बाढ़ ही दोनों जहाजों को निकाल सकता है। कितने दिनों से आप रुके हुए हैं और ये प्रॉब्लम हो रही है? अभी 2 महीने। अच्छा, आप जहाज लेकर किस लिए आए थे यहाँ पे? हमने तो रोड खड़ने के लिए आया था। तो अगल बगल क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत हो रही है, डेड बॉडी का दिक्कत है, पानी कम है, जा नहीं सकता, यही बात। आपके साथ और कितनी जहाजें फंसी हुई है यहाँ पे? और एक दो। वो किस लिए आए थे, बचाने के लिए? नहीं, हम लोग को पकड़ के लगे जाते था, जहाँ पानी कम हो वहाँ। अच्छा, वही फंस गई। जब मध्यम श्रेणी का जहाज नहीं चल सकता है तब फिर गंगा में मालवाहक जहाज चलाने का सपना भी सपना ही बेचा जा सकता है। हालत यह है कि इस गाद को लेकर बिहार सरकार ने 25 से 27 दिसंबर पिछले साल के बीच एक हवाई सर्वेक्षण कराया। दिसंबर से जून आ गया है, मगर कई कारणों से रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
क्या केंद्र सरकार बता सकती है कि उसके पास गाद हटाने के लिए क्या नीति है और क्या तकनीकी है। हम फिर से इस तस्वीर को दिखा रहे हैं ताकि हम आपको याद दिला सकें कि भारत सरकार अपनी इस योजना को लेकर शुरू में काफी गंभीर नजर आई थी। भारत में नदियों में जलमार्ग बनाने के लिए 1986 से ही इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI है, मगर 2014 के बाद इसमें कुछ तेजी आई, हलचल हुई। इसके उपाध्यक्ष प्रवीर पांडे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि 2014 में भारत सरकार ने नेशनल वाटरवेज 1 प्रोजेक्ट का ऐलान किया कि 5,369 करोड़ की लागत से इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा नदी को 9 परिवहन के लिए वाटरवेज के लिए तैयार किया जाएगा। अब बताइए, जब ये 2 जहाज नहीं चल सकते तो क्या इस रूट में बिना गाद निकाले यह योजना कभी सफल हो सकेगी? सरकार ने अपनी गंभीरता दिखाते हुए नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 भी पास कर दिया। वाराणसी, साहबगंज और बंगाल के हल्दिया में टर्मिनल बनने लगा या बनना है। 1500 टन क्षमता वाले मालवाहक जहाज के लिए पानी की गहराई कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए, खासतौर पर अक्टूबर से अप्रैल के बीच जब नदियों में पानी कम होता है, तब यह गहराई कई जगह मिलनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि नदियों में गाद भरा पड़ा रहता है और उस वक्त ऊपर आ जाता है। 5,000 करोड़ से अधिक की योजना बन गई, मगर बुनियादी समस्या का हल निकालने की सुध किसी को नहीं आई, विज्ञापन बन गया। कोसी नदी पर आजीवन काम करते रहने वाले प्रोफेसर दिनेश मिश्रा ने बताया कि एक फरक्का बराज ने गंगा की बर्बादी तय कर दी और अब इलाहाबाद से पटना के बीच जहाजों के आवागमन के लिए 100 किलोमीटर पर बराज बनाने की बात हो रही है, जो गंगा को और अधिक बर्बाद कर देगा। हमने इस बात के लिए मीडिया रिपोर्ट खंगाला तो देखा कि 2014 में गंगा मंथन बैठक में नितिन गडकरी ने ही सुझाव दिया था कि हर 100 किलोमीटर पर बराज बनाया जाना चाहिए। जो गंगा को नहीं जानते हैं उन्हीं के पास इस तरह का आइडिया आता रहता है। ये एक्सपर्ट पूछ रहे हैं जो गंगा को जानते हैं कि बराज बनने से गंगा की हालत फरक्का के पहले वाली गंगा की जैसे, जो फरक्का के ठीक पहले जो गंगा की हालत है उसकी जैसी नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा? हमारे सहयोगी अजय सिंह गंगा पर दिसंबर से ही रिपोर्ट कर रहे हैं। नदी सूख रही है, दिसंबर के महीने में ही गंगा सिकुड़ने लगी जो आगे के महीनों में सिकुड़ती रही। गंगा घाट छोड़ने लगी, गंगा को जानने वाले बनारस के लोग समझ गए कि गर्मियों में यह सूखने वाली है। धारा की जगह गंगा की पेटी में फैला गाद गंगा प्रेमियों को रुलाने लगा। लोग हैरान थे कि कभी गंगा को सर्दियों में सूखते नहीं देखा, ऐसा क्यों हो रहा है? गंगा जो ये योजना है, ये शब्द कहाँ से आए पहले ये भी आप जान लीजिए। नमामि गंगे तौपाद पंकजम सुरा सुरैर्वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। अब बताइए, ये ऐसी भगवती हैं जिनको मतलब देवता या राक्षस जो भी कहिए सब पूजते हैं, तो उनके लिए आपने इतना बड़ा स्लोगन उठा लिया, तो कम से कम काम भी तो कुछ कर दीजिए गंगा जी के लिए। आपने एक तरह से आस्था को इसमें ब्रांडिंग किया है, तो आस्था के हिसाब से काम भी तो करिए कि गंगा जी उसी सात्विक भाव से बहें और जैसे गर्मी में गंगा जी रहती थी उतना गंगा जी में फ्लो रहे। और ये एकदम मान लीजिए कि एक ड्रॉप भी सीवेज गंगा जी में नहीं जाना चाहिए, तब तो हम मानेंगे आपका योजना सफल है। गंगा को लेकर गंभीरता की बात करेंगे तो रोने धोने से लेकर क्रोधित रूप धारण किए, रौद्र रूप धारण किए कितने नेता आ जाएंगे पता नहीं, मगर जो गंगा का अध्ययन करते हैं वो जानते हैं कि स्लोगन में स्वर्ग नहीं होता है। गंगा को लेकर इतना बजट बना, इतनी बैठकें हुई, यह कैसे हुआ कि गाद हटाने को लेकर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है? ये तस्वीर भी हाल फिलहाल की है जो आप देख रहे हैं, देखिए कितनी भयानक है। 4 साल से गंगा गंगा सुनने के बाद भी गंगा इस हालत में दिख रही है, आप देख सकते हैं। अजय सिंह के कैमरे से आप तक गंगा की जो तस्वीर पहुंच रही है उसे देखकर आपका दिल जरूर दहल रहा होगा कि गंगा के साथ ये क्यों हो रहा है? साफ करने की नीतियां और नारे क्यों नहीं नतीजे दे रहे हैं? क्या जो होना चाहिए था वो ना होकर कुछ और हो रहा है? हमने प्रोफेसर दिनेश मिश्रा और हिमांशु ठक्कर दोनों से बात की, दोनों को पता है कि गाद कैसे हटेगी, किसी को पता नहीं है, दोनों ने कहा। हिमांशु ठक्कर ने कहा कि गंगा से गाद हटाएंगे भी तो कहाँ ले जाएंगे। नदी के एक और जानकार हैं कल्याण रुद्र, उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि गंगा में हर साल 20 से 30 करोड़ टन गाद जमा होता है। इसे हटाने के लिए एक ट्रक के पीछे एक और ट्रक खड़ा करेंगे तो धरती के कई चक्कर लग जाएंगे। 43 साल से ये गाद जमा हो रहा है, इसे निकालना अब असंभव सा होता जा रहा है। गंगा ठोस कार्रवाई की मांग करती है, वो कहाँ हो रही है किसी को दिख नहीं रहा है। बनारस को पूरा भरोसा था और आज भी है कि गंगा उसके पास रहेगी ही, मगर उसी बनारस को गंगा पीने का पानी नहीं दे पा रही है। हालत यह है कि 21 जून को बनारस में वाटर एडवाइजरी जारी हुआ, इसमें लिखा है कि गंगा नदी में जलस्तर अत्यधिक कम होने के कारण
रॉ वाटर यानी जो नदी से पानी लिया जा रहा है, रॉ वाटर की पंपिंग कम कर दी गई है। शहर से अपील की जाती है कि जरूरत के हिसाब से पीने का पानी जमा करके रखिए। शहर को जानने वाले कहते हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं सुना, मगर जल निगम ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि पानी का इस्तेमाल कम कीजिए, सोच समझ के कीजिए, और आने वाले दिनों में आपूर्ति कम हो सकती है, ठप भी हो सकती है। यदि गंगा जी का लेवल फर्दर डाउन हुआ तो दिक्कत हो सकती है, तो मेरा फर्ज था कि आगाह कर देना कि कम से कम लोग अपना अपना पानी का मतलब भर का यूज भर का इस्तेमाल करें, वेस्ट ना करें और स्टोर करके रखें। बनारस में जल निगम विभाग 311 एमएलडी पानी साफ करता है, जिसमें 100 एमएलडी गंगा का होता है, 211 एमएलडी नलकूप के जरिए होता है। गंगा में पानी नहीं होने के कारण एक पंप बंद कर दिया गया है, दूसरा भी बंद होने वाला है। हमारे सहयोगी अजय सिंह ने बताया कि भदेनी में यह वाटर पंप है जहां से पानी की सप्लाई होती है, जिसके लिए गंगा से होते हुए पंप स्टेशन की पाइपलाइन भदेनी स्टेशन पर मौजूद इन कुओं में लाई जाती है। उस पाइपलाइन का गंगा में कम से कम 15 फीट डूबा होना, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जरूरी है, मगर इस वक्त यह पाइप महज 1 फीट डूबा हुआ है, जिसके कारण पंप पानी खींच नहीं पा रहा है। एक पंप बंद हो गया जो तो, और दूसरा जो चालू है वो मात्र 1 फुट ऊपर है, और ये देखिए कि किस तरह से भंवर बन रहा है, जो खतरे की चेतावनी है। ये बता रहा है कि गंगा में पानी की कमी के कारण पंप काम नहीं कर रहा है, यहाँ 5 पंप हैं और 3 ही चल रहे हैं। गंगा जी का लेवल बहुत डाउन, पंप के ऊपर 1 फीट जो हमारी पाइप है 1 फीट पानी रह गया है, अब पंप पानी ले नहीं पा रहा है। इस समय क्या स्थिति है? इस समय तो दयनीय स्थिति। कितनी सप्लाई आप कर पा रहे हैं यहाँ से? सप्लाई इस समय हम लोगों का एक पंप खराब हो गया, पानी तो हम लोग दे रहे हैं, 80 KL का चल रहा है, 240 का, फिर पानी उसको मिल नहीं रहा पूर्ण। तो कितनी कितनी बड़ी दिक्कत है ये आने वाले समय में बनारस के लिए? समय में बहुत दिक्कत है, बहुत यहाँ पानी का ऐसे ही अकाल पड़ा हुआ है, और पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है गांव मोहल्ले सबको। इधर बगल में देखिए दो चापाकल, वो भी खत्म हो गई, सूख गया है, वो भी सूख गया है। और इससे कोई पानी नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं, 3-4 साल हो गया, इंजन भी यहाँ देखिए रखा है, सब सामान हो गया, लेकिन अभी कोई चालू होने का कोई नाम नहीं। ये रिकॉर्ड है गंगा गंगा करने का, और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनकी हालत तो और भी खराब है, बिना उनकी सफाई के गंगा कैसे साफ होगी, ये वही बता सकते हैं जो विज्ञापन में स्वर्ग दिखाते हैं, स्लोगन में। ये उस जगह का हाल है जहां देश के चोटी के नीति निर्माताओं की हर वक्त नजर रहती है। बनारस में जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के तहत बहुत पहले 201 करोड़ की लागत से 42 ओवरहेड टैंक बने ताकि पानी की सप्लाई हो सके, लेकिन 42 में से 10 ही काम कर रहे हैं, 5 साल से ओवरहेड टैंक बनकर खड़े हैं और कई तो अभी तक चालू नहीं हुए। बनारस में लोगों को जितना पानी चाहिए उससे करीब 40% कम मिल रहा है, फिर भी आप कह सकते हैं कि वहां के लोग किस्मत वाले हैं कि इतना पानी मिल भी रहा है अभी तक। हाँ, लोगों को पानी की गुणवत्ता को लेकर कुछ शिकायतें जरूर हैं। कैसे जी रहे, पानी वो खाली आपको काम करने बदल लेते हैं, बस कपड़ा कचारने बदल लेते हैं, और पीने वजह रोज फिल्टर का पानी रोज 90 रुपया मांग पीते हैं। हाँ। यही परेशानी है, खाली नल की पानी कोई यूज करने लगा, महक भी है बहुत ज्यादा है। गंगा के किनारे आप 90 रुपए का फिल्टर पानी मंगा के पी रहे हैं, गंगा गंगा हो रहा है। गंगा संकट में है, बनारस भी संकट में है। योजनाएं आसमान की तरफ देखकर बनाई जा रही है और जमीन चुपचाप खिसकते जा रही है। आखिर हम नदियों को बचा क्यों नहीं पा रहे? क्या हमारा रास्ता सही नहीं है? सही रास्ता क्या है, जो जानते हैं वो भी परेशान है। हरिद्वार की संस्था मातृ सदन के संत और पर्यावरणविद प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिन्होंने गंगा पर काफी काम किया और जिनके काम को लेकर बहुतों ने नेतागिरी की, वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि गंगा में हो रहा जो खनन है और जगह जगह पर मनोरंजन के लिए रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियां हो रही हैं, वो गंगा के लिए अपमानजनक हैं और इस सब पर पाबंदी हो। वो गंगा पर बनाए जा रहे बांधों के भी विरोध में हैं, जो उसकी अविरल धारा को रोक रहे हैं। प्रोफेसर अग्रवाल की बात ही हिमांशु ठक्कर भी कह रहे हैं, दिनेश मिश्र भी कह रहे हैं और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर रह चुके स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, अभी इनका नया नाम है, वो पहले भी गंगा को लेकर 38 दिनों के अनशन पर बैठे। अगस्त 2010 में उनके अनशन के बाद केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के ग्रुप ने भागीरथी नदी पर बन रहे लोहारी नागपाला प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था, लेकिन गंगा पर बनने वाले कई और बांध हैं जो अब भी उसकी अविरलता में बाधा बन रहे हैं। सरकार का रवैया गंगा जी के प्रति रहा है, बजाय इसके कि उनको हम अपने राष्ट्र की पहचान माने, जैसे राष्ट्र नदी
काम को दर्जा दिया गया था, तो उसके बाद फिर उसको केवल उपयोग की वस्तु, भोग की वस्तु तो नहीं माना जाना चाहिए। कभी सिंचाई के लिए नहर निकालना, कभी बिजली के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट, कभी जल मार्ग की बात होती है। अब आजकल यहाँ पर ये वाटर राफ्टिंग, तो आमोद प्रमोद के लिए, तो गंगा जी तो हमारे लिए पूज्य हैं, और एक बूढ़ी माँ को कोई आप इस तरह से वो थोड़ी करते हैं उसके साथ बर्ताव। तो उत्तर मोदी जी के नाम था और वो फरवरी में लिखा था, 24 फरवरी का पत्र था। उस बात को 3:30 उसी में मैंने ये इंगित कर दिया था कि अगर ये पूरा नहीं होता तो मैं गंगा दशहरा से उपवास करूँगा। तो उस पर पिछले 3.5 महीने में कुछ नहीं हुआ, तो फिर लगभग 10 दिन पूर्व एक दूसरा पत्र भी उनको फिर से याद दिलाने के लिए भेजा। प्राइम टाइम देखने के बाद सरकार ही तस्वीर खींचकर ट्वीट कर सकती है तुरंत कि गंगा में कहां कहां नाले बंद हुए हैं, कहां कहां ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पहले गंदा पानी साफ होता था और अब फिर गंगा में पानी गिरता है साफ होने के बाद। ये ट्वीट करने से जो ट्विटर पे लोग बिजी रहते हैं दिल्ली वाले, वो तो कम से कम देख लें। ये सब काम मंत्री जी अगर चाहें तो 5 मिनट में कर सकते हैं और ट्वीट कर बता सकते हैं। सीवेज से जुड़े बुनियादी ढांचे को बनाने में 2,814 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो पता चलता है मीडिया रिपोर्ट से और बजट देखने से। तो इसे और भी जानना चाहिए कि इसके नतीजे क्या हुए जब इतना पैसा खर्च हुआ। अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो सरकार अवश्य बताएगी, क्योंकि वो बहुत गंगा से प्यार करती है। गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा में करीब 12,000 MLD गंदा पानी यानी सीवेज गिरता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4,000 MLD सीवेज को ही ट्रीट करने की सुविधा बन पाई है, जिसमें से सिर्फ 1,000 MLD सीवेज ही अभी ट्रीट यानी साफ किया जा रहा है। 4 साल बाद 12,000 MLD गंदा पानी में से सिर्फ 1,000 MLD गंदा पानी साफ होकर गंगा नदी में गिर रहा है। नमामि गंगे के तहत 5 साल में 20,000 करोड़ खर्च होना है। इस प्रोजेक्ट के तहत 8 राज्यों में 193 परियोजनाओं के लिए कोई 20,000 करोड़ से ज़्यादा की मंजूरी दी गई है। ये सब काम हुआ है, लेकिन द हिंदू के जैकब कोशी की 9 मई 2018 की प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सब आपको हिंदी अखबार में कम मिलेंगे, मार्च 2018 तक इस फंड का सिर्फ 5वां हिस्सा यानी 4,254 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए थे। बरसात से भले गंगा भर जाएगी, उसका संकट कुछ दिनों के लिए नहीं दिखेगा, मगर बनारस वाले अपनी गंगा को दिसंबर से देखते आ रहे हैं, बस उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो कुछ और देख रहे हैं।